आज तो मैंने यहाँ पर घास काट लिया, ये आप देख सकते हैं। ये कितने पुले मेरे पास आए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर 15 16 17 18 पुले पूरे मेरे पास आए। और ये है आज का व्यूज़, ये आप देख सकते हैं, मन को मोह लेने वाला काफ़ी अच्छा सा व्यूज़ आप देख पा रहे हैं। ये चारों साइड का व्यूज़ है और ये ऊपर टॉप टॉप में आज धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी है। ये देखिएगा आप, काफ़ी अच्छा व्यूज़, मन को आनंदित करने वाला सुबह सुबह का जो व्यूज़ होता है काफ़ी अच्छा नज़र आता है। ये सीधा 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 ये चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं अब। और ये मैंने पोल लगाए थे कंक्रीट के पोल, और ये मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। अगर अच्छे लगे तो कमेंट में लिख देना कि ये पोल कैसे हैं, और अगर कोई इस तरह के पोल बनाना चाहता है और मुझसे सीखना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9816624588। ये सोलर फेंसिंग के लिए मैंने बनाए थे इस तरीके से, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। और ये तो मैंने लोहे का ही गेट लकड़ी का गेट बना लिया था। ये अब देखते हैं ज़रा ये लग पाता है पीछे, इसमें ये टूट गया, साला सड़ गया है। इस गेट को बने हुए हो गए 3-4 साल। ये लोहे का लकड़ी का गेट है, ये यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ। और ये क्लच वायर है, क्लच वायर ये देख सकते हैं आप, ये क्लच वायर है। ये देखिए उस पोल में कनेक्ट है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा रह गया था तो बीच में मैंने लकड़ी फंसा दी थी। ये दूसरी बार है क्लच वायर, इसमें जो है अच्छे से करंट पास होता है, क्लच वायर है अच्छे से। लेकिन जो मैंने सोलर फेंसिंग अपने आप लगाई थी, इसमें इंसुलेटर नहीं मैंने इंस्टॉल किए, तो उस वजह से मेरा इसमें जो है सोलर फेंसिंग का करंट नहीं चल पा रहा है। और ये मैंने रास्ता भी बिल्कुल साफ़ कर रखा है, यहाँ पर आगे जाने के लिए घास काट रखा है। और ये देखिए अगला पोल, ये काफ़ी सारे पोल मैंने खुद अपने हाथों से बना रखे हैं। अगर अच्छे लगे ये पोल कंक्रीट के तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको ये कैसे पोल लगे, ये पोल कंक्रीट वाले आगे को क्लच पार जाती हुई। और इसमें दूसरा करंट आप छोड़ सकते हैं रात को, जैसे जंगली जानवर वगैरह रात को आते हैं तो उसके लिए मेरे पास है। ओ देखो ऊपर तक आप देख सकते हैं, ऊपर तक ये देखिए ऐसे ये एरिया ऊपर तक है। और आगे मेरा ऑर्चर्ड लगा हुआ है, एप्पल ऑर्चर्ड है, और आगे मेरी क्रॉप भी लगी हुई है। यहाँ पर तो मैं घास ही काटूँगा, ये सारा पल्ली साइड को तो मेरे पास ऑर्चर्ड है जैसे मैंने अभी आपको बताया।